आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं हमारे टीएस अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। अगर आपके इशू ऑफ शेयर्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है जहां पे पूरा लेक्चर मैंने अपलोड कराया है सभी कंसेप्ट को कवर अप करते हुए बहुत इजी वे में समझाते हुए। तो वहां पे सीखो समझो जानो और उसके साथ बाद आप मेरे साथ यहाँ पे क्या करो प्रैक्टिस करो टीएस अग्रवाल की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है 17 नंबर का क्वेश्चन है न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन को रीड करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि कंपनी है सिटीजन वॉचेस लिमिटेड। हम ये मान लेते हैं आपकी और मेरी कंपनी है, हमारी कंपनी ने क्या करा है, ये जो कंपनी हमारी सिटीजन वॉचेस का लिमिटेड, हमने यहाँ पे शेयर्स इशू करे हैं। कितने शेयर इशू करे हैं? 50,000 शेयर हमने इशू करे हैं मार्केट में। ठीक है, हमने इतने शेयर तो इशू कर दिए मार्केट में, लेकिन अब इसके बाद हुआ क्या? ये कहते हैं कि हमारे हर शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए ईच, 10 रुपीज ईच, है ना, जिसको हम क्या करेंगे ब्रेक करके लोगों से रिकवर करेंगे। जैसे कि 3 रुपीज हम एप्लीकेशन में मंगाएंगे, 4 रुपीज हम अलॉटमेंट में मंगाएंगे, और बचा हुआ जो बैलेंस है वो किस पे मंगा लेंगे, बचा हुआ बैलेंस मंगा लेंगे हम किस पे, हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो कितने कितने रुपए हो गए भाई, हमने 10 रुपए को ब्रेक करके मंगाना है, जिसमें से 3 तो एप्लीकेशन पे आ जाएगा, 4 हमारे पास हमारा अलॉटमेंट पे आएगा, और बैलेंस कह रहे हैं कितना चाहिए हमें फर्स्ट एंड फाइनल पे। तो बैलेंस कितना बचा, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, तो 10 में से 7 तो यहीं पे आ गया, तो यानी बैलेंस कितना बचा, 3, तो 3 आएगा हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, चलो इतना हमने मार्क कर लिया, अभी आगे देखते हैं। ये कहते हैं हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो कितनी आई है, 60,000 आई है। ठीक है, हमने तो कितना शेयर इशू करा था, हमने तो 50,000 शेयर इशू करा था, लेकिन लोग, हमारी कंपनी इतनी अच्छी है कि लोग हमसे ज्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं, 60,000, लेकिन हम 60,000 का शेयर उन्हें देंगे, हम 60,000 शेयर नहीं देंगे, हमारे पास तो 50,000 शेयर ही है देने के लिए, तो हम 50,000 ही देंगे और बाकी का क्या कर रहे हैं। कहते हैं एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। तो जो भी वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है ना, उसे हम वापस कर देंगे, आप चिंता मत करो, हमने क्या कर दिया, आपका पैसा आपको वापस कर दिया, हमें ज्यादा पैसा चाहिए ही नहीं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि भाई ऑल कॉल्स वर मेड एंड द रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 500 शेयर्स। कह रहे सभी पैसा आ गया हमारे पास, लेकिन जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमारे पास पैसा आना था ना, उसमें 500 शेयर का पैसा नहीं आया। अब इन दो के लिए क्या एंट्री होगी वो हम यहाँ पे फटाफट से समझते हैं। पहली एंट्री हमारे पास होगी कि हमारे पास पैसा आया, किस चीज का आया, एप्लीकेशन का आया, तो उसकी बेसिक एंट्री क्या होती है, वो होती है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो आई वो कितने शेयर्स के लिए आई, वो आई थी 60,000 शेयर के लिए, और 60,000 शेयर के साथ उन्हें एप्लीकेशन पे कितने रुपए देने थे, वो हमने अभी निकाला था, 3 रुपए देने थे। तो इससे हमारे पास कितना अमाउंट आ गया, हमारे पास ये आ गया हमारे पास 1,80,000 रुपए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1,80,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा पहली एंट्री, जिसमें हमने एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आ चुका है, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफर करते हैं, और हम क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आए हमारे पास भाई, 60,000 शेयर का पैसा आया था 3 रुपए के हिसाब से, तो हमारे पास टोटल पैसा तो आया 1,80,000 रुपए, लेकिन हमें कितना चाहिए था, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में हम उतना ही ट्रांसफर करेंगे जितना हमें चाहिए था, हमें चाहिए था 50,000 शेयर का पैसा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 × 3 कितना हो गया, ये हो गया 1,50,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1,50,000 रुपए। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो कि भाई 1,80,000 हमारे पास आया है, 1,50,000 रुपए हम रख रहे हैं, तो 30,000 का क्या करेंगे, उसे रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे एक एंट्री और आएगी, वो आएगी टू बैंक। ठीक है, टू बैंक, तो अब प्रॉपर एंट्री क्या बन जाएगी, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक। जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया वो हमने यहाँ पे वापस कर दिया, और डिफरेंस को हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जहां पे आ जाएगा अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में क्या एंट्री करेंगे भाई, अलॉटमेंट में हम पहले लोगों को बताएंगे कि अब आपने अलॉटमेंट का पैसा देना है, कितना पैसा देना है आपने, आपने देना है हमें भैया 50,000 शेयर का पैसा, और कितने रुपए के हिसाब से, अलॉटमेंट पे 4 रुपए के हिसाब से देना था, हमने वही ऊपर डिसाइड करा था, हमने देखा भी था। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 × 4 कितना आएगा हमारे पास, हमने मंगाया लोगों से 2,00,000 रुपए। ठीक है, अब 2,00,000 रुपए हमने यहां पे मेंशन कर दिए। अब इसके बाद जो लोग क्या करेंगे, लोग हमें वो पैसा भेज देंगे, वो पैसा हमारे कहां आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा। तो उसके लिए एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा आएगा। क्वेश्चन में बताया नहीं गया हमें कि कुछ रुकावट आई कि नहीं आई हमारे अलॉटमेंट पे, तो कोई रुकावट नहीं थी, इट मीन्स पूरा पैसा आ गया होगा। तो हमने मंगाया 2,00,000 था, तो हमारे पास पूरा पूरा 2,00,000 रुपए अलॉटमेंट का आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हमारा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के स्टेज में हमने कितना पैसा मंगाना था, 50,000 शेयर का पैसा मंगाना है 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि वहां पे कहा था बैलेंस जो भी बचेगा वो हमने वहां पे मंगाना है, तो बैलेंस बचा था 3 रुपए। तो हमने क्या करा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हम लोगों से पैसा मंगा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि अगर आप पैसा भेजोगे तो हम उसे शेयर कैपिटल में डाल देंगे। कितना पैसा आपने भेजना है, 50,000 शेयर का पैसा भेजना है और आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए के हिसाब से भेजना है, यानी कि हम कितना पैसा मंगा रहे हैं इनसे, हम इनसे मंगा रहे हैं 1.5 लाख रुपए। ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया भाई 1.5 लाख रुपए। इसके बाद क्या होगा, लोग हमें पैसा भेज देंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो हमें पता चला था कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एक प्रॉब्लम हो रही थी कि 500 शेयर का पैसा नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यानी कितना शेयर का पैसा आ रहा है पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल जो पैसा हमें मंगा रहे थे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50,000 शेयर का मंगा रहे थे, 50,000 शेयर में से सिर्फ 500 शेयर का पैसा तो नहीं आ रहा है ना, तो वो 500 शेयर माइनस करा तो इट मींस कितने शेयर का पैसा आ रहा है, 49,500 शेयर का पैसा आ रहा है। उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो हमारे पास फर्स्ट कॉल पे हमें अमाउंट मंगाना है 3 रुपीज ईच पर शेयर है ना, तो हमने क्या करा 49,500 इंटू 3, कैसे आया 49,500, दोबारा सुन लो, हमें जो टोटल पैसा मंगाना है 50,000 शेयर का मंगाना है जिसमें से 500 शेयर का पैसा नहीं आ रहा है, तो हमने माइनस कर दिया, कितना बचा 49,500। इट मींस ये पैसा तो हमारे पास आ रहा है ना, तो बैंक में इसकी एंट्री दिखा देंगे, तो 49,500 इंटू 3 बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आएगा हमारे पास उसको हम कैलकुलेट करके अभी यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास एक एंट्री और आएगी इसमें, वो आएगी कॉल इन एरियर। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कॉल इन एरियर, ये एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट में आएगी। ठीक है, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कितना पैसा नहीं आ रहा है हमारे पास भाई, 500 शेयर का पैसा नहीं आ रहा है। इसमें हम क्या दिखाते हैं कि जो पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, तो 500 शेयर इंटू कितना पैसा नहीं आया, 3 रुपीज। ठीक है, तो कितना आएगा, 1500 रुपए आएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो टोटल एंट्री क्या बन गई है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहां पे हमें क्या करना है, अब यहां पे हमें लिख देनी है अमाउंट, तो फटाफट से लिखते हैं अमाउंट को, ठीक है, हमने अमाउंट लिख दिया, कितना आएगा हमारे पास, 1,48,500। ठीक है, ये टोटल पैसा हमें मिला है। इसके बाद हमें कितना पैसा नहीं मिला है, हमें सिर्फ 1,500 रुपए का पैसा नहीं मिला है, और टोटल पैसा हमें मंगाना कितना था, 1.5 लाख रुपए मंगाना था। ये हो गई हमारी सारी की सारी एंट्री, इसकी खत्म। चलिए अभी हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।